सो हेलो दोस्तों, तो आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो हिमांशु शर्मा जी के कमेंट के ऊपर है, जो कि उन्होंने बोला था कि मेरी पशु 7 मंथ के हो गई है, क्या मिनरल मिक्सचर देनी चाहिए, प्लीज रिप्लाई जरूर दे। तो उन्हीं का कमेंट्स के ऊपर आज का ये वीडियो है। थोड़ा लेट हो गया है, कुछ ज़्यादा ही दिन के बाद गैप हो गया है वीडियोज बनाने में, क्योंकि अभी अपने फार्म पे तो है नहीं, अभी अपना एग्जाम कुछ पेपर था जो कि सेमेस्टर पेपर था, इस वजह से कॉलेज में थे, इसलिए थोड़ा वीडियो कम देखने को मिला होगा आप लोगों को। तो अब धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपना पेपर था इस वजह से कम थोड़ा वीडियोज बन रही थी। तो चलिए, आज का ये वीडियो हिमांशु जी के कमेंट्स के ऊपर है, हिमांशु शर्मा जी के। तो इनका कमेंट्स था कि क्या 7 मंथ की प्रेग्नेंट पशु है, उनको मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। तो उन्हीं के रिप्लाई है, क्योंकि उन्होंने बोला था रिप्लाई ज़रूर करें, तो उन्हीं के ऊपर का ये आज का ये वीडियो है। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहें, कोशिश करेंगे वीडियो शूट बनाने का। देना चाहिए, देखिए जनरली क्या होता है कि मिनरल मिक्सचर हम लोग पशुओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ही देते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि बच्चे को जब जन्म दे देता है उसके बाद ज़्यादातर पशु में फायदेमंद देखा गया है, जो कि मिनरल मिक्सचर। उससे क्या होता है कि पशु का मिनरल मिक्सचर तो बोला जाता है कि पशुओं के लिए 50 ग्राम रेगुलर बेसिस पे देने के लिए, बट ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है, कंटिन्यू वे में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, कुछ कुछ फीड ऐसे हैं जो कि उसमें ऑलरेडी सारा कुछ मिक्स करके आते हैं, जैसे फीड वगैरह कोई सा भी फीड हो गया, उन सभी चीज़ में क्या है कि कुछ परसेंट मिनरल मिक्सचर होते हैं, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहते हैं, पोटेशियम, सोडियम, इन तमाम चीज़ की, फास्फोरस, इन सभी चीज़ की, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है उस फीड में मिक्स होकर के आते हैं। और जनरली देखा जाता है कि फार्म पे, खुद अपने भी फार्म पे पशु को रेगुलर बेसिस पे मिनरल मिक्सचर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सब रीज़न है, क्योंकि आप 365 डेज मिनरल मिक्सचर मेरे भी फार्म पे देना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ टाइम पे छूट ही जाता है, लेकिन देना ज़रूरी होता है, ताकि उससे क्या है कि पशुओं की एक तो मिल्क बढ़ती है, उसकी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और दूसरी इसकी जो नेक्स्ट हीट में आने की ज़्यादा चांसेस रहती है, हीट में आती है और कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि कंसीव करने की क्षमता बढ़ जाती है मिनरल मिक्सचर से, और जो भी न्यूट्रिशन इससे जाते हैं, तो उससे क्या होती है कि पशु नेक्स्ट लैक्टेशन में उसकी जो भी एआई कराई जाती है, तो उससे कंसीव रेट बढ़ जाती है। तो ये सब रीज़न है कि मिनरल मिक्सचर इसलिए देना है। और रही बात ड्राई पीरियड में, तो ड्राई पीरियड में जनरली आप नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे अलग अलग फीड आते हैं, जैसे ट्रांजिशन फीड आते हैं। ट्रांजिशन फीड क्या होता है कि जैसे पशु ट्रांसफर, जैसे कि ट्रांजिशन फेज पहले बता देते हैं, ट्रांजिशन फेज क्या होता है कि जब पशु ड्राई में रहती है और जैसे काल्विंग करने जाती है, यानी कि बच्चे को जन्म देने जाती है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, जो कि पशु को लास्ट के 1 मंथ, बच्चे को जन्म देने से 1 मंथ पहले, 25 दिन से 1 मंथ पहले ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है, उस टाइम पे आप ट्रांजिशन फीड दे सकते हैं। ट्रांजिशन फीड उस समय काफ़ी सूटेबल होता है पशुओं के लिए, जो कि वो क्या करता है कि पशु में उसमें जो भी न्यूट्रिशंस है वो सारा कुछ पशु को उस ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है, उसी ड्यूरेशन के लिए पर्टिकुलर उसको बनाया जाता है। थोड़ा कॉस्टली भी होता है, और पशु को जैसे बच्चे को जन्म दे करके दूसरे फेज में जाने वाली रहती है, यानी कि ड्राई से जैसे मिल्किंग में जाने वाली रहती है, उस ड्यूरेशन के लिए उस फीड को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि उस टाइम पे पशुओं को उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सॉल्ट डाले जाते हैं ट्रांजिशन फीड में। जैसे कुछ क्या होता है कि निगेटिव बैलेंस बनने लगते हैं पशुओं में, और मिल्क फीवर भी हो जाते हैं पशु को, जैसे बच्चे को जन्म देती है उस टाइम मिल्क फीवर हो जाते हैं। तो इन सभी को अवॉइड करने के लिए, इन सभी को हटाने के लिए ट्रांजिशन फीड भी दिए जाते हैं। तो आप ट्रांजिशन फीड भी दे सकते हैं, या उस ड्यूरेशन पे वाइटम एच जो कि वो भी दिए जाते हैं, या मेटाबोलाइट पाउडर वो दिए जाते हैं पशुओं को। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिशंस है जो कि पशुओं को प्रेग्नेंट में दिए जाते हैं, आप में भी दे भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं देना है, लेकिन ज़्यादातर बेटर रहेगा आप जो कि मिनरल मिक्सचर काल्विंग के बाद देते हैं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे।
और ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ट्रांजिशन फीड स्पेशली उसके लिए बनाए जाते हैं। अगर क्या क्या इसमें मिक्सअप होते हैं अगर वो नहीं पता है तो आप कमेंट बताइएगा, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ देखने को मिलेगा कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि अपना कुछ कुछ पेपर रहता है इस वजह से थोड़ा टाइम फ्री नहीं हो पाते हैं तो वीडियो शूट नहीं हो पाता। ऐसे भी अभी अपने फार्म पे हूँ नहीं, अपने कॉलेज में हूँ, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।